और काफी टाइम बाद दोस्तों हम लोग एक गेमिंग हेडसेट का रिव्यू करने जा रहे हैं, तो आराम से बने रहिए वीडियो में। और इसमें फ्लिप टू म्यूट का ऑप्शन भी दिया गया है दोस्तों, ऐसे फ्लिप करके आप म्यूट कर सकते हैं, ऐसे करके यहाँ से आप अनम्यूट कर सकते हैं। आइए इसकी भी प्रैक्टिकल टेस्टिंग दिखाता हूँ आपको। क्या बात है सर। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, आज हमारे पास एक ओवर द ईयर वायर्ड गेमिंग हेडसेट आए हुए हैं क्रियो ब्रांड की तरफ से, दैट इज क्रियो बेल्यूगा 3.5 ओवर द ईयर वायर्ड गेमिंग हेडसेट। और इसका प्राइसिंग है 2500 रुपीज के आसपास, प्राइस पॉइंट थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दे दी हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। और जो क्रियो ब्रांड है ये मल्टीपल एक्सेसरीज भी प्रोवाइड करते हैं गेमिंग हेडसेट को लेके, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ईयरबड्स, मल्टीपल आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इनकी तरफ से। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दे दी हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, इनके कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। एंड अगर हम बात करेंगे इस हेडसेट की, यहाँ पर आपको ANC वाले माइक्रोफोन दिए गए हैं, ब्रांड ऐसा क्लेम करता है। साथ ही में फ्लिप टू म्यूट का ऑप्शन दिया गया है, फ्लिप करके आप म्यूट कर सकते हैं, फ्लिप करके अनम्यूट कर सकते हैं। वो कैसे एक्जैक्टली वर्क करता है प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल टेस्टिंग करेंगे, बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या है, ये कितना वर्दी प्रोडक्ट है, सब आपको दिखाएंगे, ताकि अगर आप सोच रहे हैं गेमिंग हेडसेट परचेज करने का, एंड तक पहुंचते आप डिसाइड कर लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको क्रियो बेल्यूगा 3.5 ओवर द ईयर गेमिंग हेडसेट का ऐसे बिल्कुल आपको बढ़िया सा बल्कि बॉक्स मिलेगा ब्रांड की तरफ से, और साथ ही में इसमें आपको 400 डेज की वारंटी मिल जाएगी, ये भी एक प्लस पॉइंट एडिशनल वारंटी आपको मिलने वाली है। बैक साइड में कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, सब आगे डिटेलिंग में चेक करेंगे। इसको हम करेंगे क्विकली अनबॉक्स। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से एक एक चीज पैक की गई है बॉक्स के अंदर ही। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पेपर वर्क मिलने वाला है, यहाँ पे आपको एक QR कोड मिल जाएगा जो ब्रांड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यहाँ से आप स्कैन करके उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे आपको बैक साइड में डिटेलिंग मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में, साथ ही में जो ब्रांड का लोगो है उसके आपको स्टिकर्स भी मिल जाएंगे, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक के साथ यहाँ पे आपको स्प्लिटर मिलने वाला है, आपको यहाँ पे माइक्रोफोन और साउंड वाला स्प्लिटर मिल जाएगा अगर आपको यूज करना है PC में, उस पर्पस के लिए ऑप्शन दिया गया है। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दीज आर द हेडफोन्स यू विल बी गेटिंग। और यहाँ पर देख सकते हैं जो लुक एंड फील दिया गया है हेडफोन्स का, जो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, बिल्ड दी गई है, काफी आपको सॉलिड मिल जाएगी, बिल्कुल बढ़िया बल्कि आपको हेडफोन्स मिलने वाले हैं। ऊपर साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे लेदर फ्रिंज दिया गया है, यहाँ पे जो उसके हेडरेस्ट दिए गए काफी आपको अल्ट्रा सॉफ्ट मिलने वाले हैं, हेडरेस्ट को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और कुशन बिल्कुल आपको अल्ट्रा सॉफ्ट मिलने वाले हैं, काफी आपको सॉफ्ट कुशन मिल जाएंगे। इसमें आपको कूलिंग जेल पैड्स का यूज किया गया है, ताकि जो स्वेट का इशू है लॉन्ग आवर्स के लिए आपको डेफिनेटली फेस नहीं होगा। काफी बढ़िया आपको अल्ट्रा सॉफ्ट कुशन मिलने वाले हैं, लेफ्ट राइट भी साफ साफ मेंशन है दोनों यहाँ पे ईयर कप्स में। और यहाँ पर आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, आपको एल्युमिनियम एडजस्टेबल बैंड दिए गए, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हेड के हिसाब से, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा दोनों साइड पर। राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली क्रियो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, इसमें लाइट्स का ऑप्शन भी दिया गया, ऐसे कोई यहाँ पे फिजिकल बटन आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रियो की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पर आपको ऐसे कंट्रोलर दिया गया है, वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आपको एक रोटेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा इसको। और यहाँ पर आपको एक अटैचेबल माइक्रोफोन भी दिया गया है हेडफोन्स के ऊपर ही, यहाँ पर इसमें आपको फ्लिप टू म्यूट का ऑप्शन दिया गया है, इसको आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे अनम्यूट हो जाएगा, वापस इसको आप लगा देंगे तो म्यूट हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल टेस्ट आपको आगे दिखाने वाला वीडियो में। इसके फिटिंग की बात करेंगे, प्रॉपर ओवर द ईयर वायर्ड हेडफोन्स हैं, जो कुशन्स दिए गए हैं, जो बीच में गैप दिया गया है, आपके कान पूरे प्रॉपर तरीके से गैप में फिट हो जाएंगे, आपको ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली है, हेडरेस्ट बढ़िया मिल जाएगा, कुशन्स भी आपको अल्ट्रासॉफ्ट मिलने वाले हैं, लॉन्ग आवर्स के लिए डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं, स्वेटिंग का इशू आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। फिटिंग इसकी पर्सनली मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। और यहाँ पर नीचे आपको अच्छी खासी लेंथ की यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतनी लंबी आपको यहाँ पे ब्रेडेड केबल मिलने वाली है, केबल की जो क्वालिटी काफी आपको सही मिल जाएगी, इसको लेके मुझे पर्टिकुलर कोई दिक्कत नहीं लगी। नीचे आपको दो केबल्स मिलने वाली, यहाँ पे आपको एक 3.5 mm जैक का यहाँ पे आपको प्लग इन प्ले करने के लिए केबल मिल जाएगी, साथ ही में आपको USB केबल मिलने वाली है। इस केबल को यहाँ पे आप प्लग इन करके जो लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है, इस तरीके की आपको लाइट्स मिलने वाली है, जो कि साफ साफ गेमिंग लुक एंड फील प्रोवाइड करती है, एम्बिएंट आपको लाइट्स मिल जाएगी क्रियो ब्रांडिंग के साथ। और जो 3.5 mm जैक का ऑप्शन दिया गया है, भले इसको आप अपने PC में यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में यूज करते हैं, या मोबाइल गेमिंग के लिए यूज करते हैं, डेफिनेटली उस पर्पस के लिए चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आपको प्ले स्टेशन में भी यूटिलाइज करना है वो भी आप कर पाएंगे। और मैंने इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं हैवी गेमिंग भी करके देखी, जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस मिला गेमिंग के टाइम पे, लाउडनेस भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है, स्टीरियो सेपरेशन हो गया, NOD एक्सपीरियंस हो गया, गेमिंग के टाइम पे आपको ऐसा कोई लैग फील नहीं होने वाला है, बढ़िया आपको यहाँ पे NOD एक्सपीरियंस मिलने वाला है गेमिंग के टाइम पे, इसको आप डेफिनेटली परफेक्ट गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मोबाइल फोन में BGMI भी खेल के देखा इस हेडफोन्स को यूज करके, उसको आप गेमिंग टेस्ट देख लीजिए सबसे पहले लगे हाथ। गेमिंग आपको परफेक्ट मिलने वाली, जो NOD एक्सपीरियंस है लैग फ्री आप बोल सकते हैं, आपको ऐसे कोई लेटेंसी बिल्कुल नहीं मिलने वाली, इसको आप डेफिनेटली बढ़िया गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। और जो लाइट्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है वो काफी आपको सही लोकेशन प्रोवाइड कर देगा। बात करेंगे इसके साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की, यहाँ पर इसमें आपको 50 mm डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, और जो लाउडनेस है मुझे यहाँ पे 50 mm के हिसाब से यहाँ पे एडिकेट लगी, बहुत ज्यादा लाउडनेस नहीं लगी, आपको लगेगा कि हाँ एडिकेट आपको अच्छी लाउडनेस मिलने वाली है, फुल वॉल्यूम पे आप सुन सकते हैं, कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं होगी, प्लस पॉइंट इसमें आपको साउंड के इशू बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगा। आप फुल वॉल्यूम पे कुछ भी करिए, गेमिंग करिए, गाने सुनिए,
साइड में जो बैठा हुआ है नहीं बता पाएगा आप कानों में क्या सुन रहे हैं। बाकी आउटपुट की बात करेंगे, यहाँ पे मेरे को लाउडनेस एडिकेट लगी, लेकिन यहाँ पे आपको जो वोकल्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है और बेस है, यहाँ पे आपको काफी सूदिंग इफेक्ट्स मिलने वाले। अगर आपको यहाँ पे सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद है, आपको बिल्कुल यहाँ पे प्रॉपर बेस इफेक्ट्स भी चाहिए, अच्छा आपको आउटपुट मिलने वाला है। एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस इफेक्ट्स नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ आपको लगेगा प्रॉपर आपको सूदिंग इफेक्ट्स मिल रहे हैं वोकल्स को लेके, डिटेलिंग पार्ट को लेके, और यहाँ पे आपको अच्छी आपको यहाँ पे बोल सकते हैं सॉफ्टनेस आपको मिल रही है बेस पार्ट को लेके, सूदिंग। अगर आपको बिल्कुल सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद है उस पर्पस को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और बात करेंगे इसकी कॉलिंग, यहाँ पर ANC माइक से सेटअप दिया गया है, ब्रांड ऐसा क्लेम करता है, और इसमें आपको फ्लिप टू म्यूट का ऑप्शन दिया गया है। एक्जैक्टली वो भी कैसे वर्क करता है यहाँ पे हमारे देखिए DRS दीक्षा रिव्यू सिस्टम इनके थ्रू। हेलो, हाँ दीक्षा क्या कर रही हो? हाँ बस कुछ नहीं, थोड़ा सा घर अरेंज कर रही थी। ओके, दो मिनट फ्री मिल पाएगा? हाँ। अरे अभी मेरे पास यहाँ पर ना त्रियो ब्रांड की तरफ से इनके एक वैल्यू का एक ओवर द ईयर वाइड हेडफोन्स आए हुए हैं, गेमिंग हेडसेट हैं। हाँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल कंडीशन में हूँ, थोड़ा पार्क साइड कंडीशन में हेडफोन से बातचीत कर रहा हूँ। हाँ। तो मेरी आवाज कैसी आ रही है? आवाज तो काफी क्लियर आ रही है, वोकल्स काफी मतलब क्लियर लग रहे हैं और लाउडनेस भी अच्छी है, तुम्हारी आवाज सुनने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ना ही कोई बैकग्राउंड की एक्टिविटी समझ में आ रही है, हल्की सी अभी जस्ट अभी मुझे विंड नॉइज आई। अच्छा, हाँ वैसे बाहर से इतना मतलब नहीं, क्योंकि गेमिंग हेडसेट है तो मेनली इसको अंदर ही पहना जाता है। नॉर्मल टेस्टिंग के लिए मैं तुमसे कॉल कर रहा हूँ, और इसमें ना एक फ्लिप टू म्यूट का एक ऑप्शन दिया गया है। अभी मैं ना एक सेकंड बाद तुमसे कुछ बोलता रहूंगा, बताना वो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब मैं तुमसे पूछूंगा, है ना? ओके ओके। हेलो हेलो, हाँ अभी मैंने कुछ बोला था यहाँ पे पिछले 4-5 सेकंड तक, तुम्हें कुछ आवाज आ रही थी उस चीज को लेके? नहीं, हेलो के पहले मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। अच्छा हाँ, मतलब इसका जो फ्लिप टू म्यूट है सही तरीके से वर्क करता है। हाँ ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके हाँ बाय। कॉलिंग टेस्ट सुन के आपको एक अंदाजा लग गया होगा इसमें आपको आउटपुट कैसे मिलने वाला है। कॉलिंग इसमें आपको काफी बढ़िया मिलने वाली है, मेनली आप गेमिंग के टाइम में भी अगर फ्रेंड्स को मैसेज कन्वे करते हैं, आपको कॉलिंग पर्पस के इसको चेकआउट करना है, गेमिंग करते करते आपको इससे बातचीत करनी है, माइक्रोफोन काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है, और जो फ्लिप टू म्यूट का ऑप्शन है वो भी काफी सही तरीके से वर्क करता है, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। इसको आप डेफिनेटली अच्छी कॉलिंग के लिए भी ऑप्शन में रख सकते हैं। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 out of 10। दीज आर द रेटिंग्स टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस हेडफोन्स अप्रॉक्सिमेटली 2500 rupees के आसपास, और कहीं ना कहीं जो प्राइस पॉइंट है डेफिनेटली जस्टिफाई भी करता है, क्योंकि इसकी जो मेनली बिल्ड दी गई है, जो लुक एंड फील दिया गया, जो लाइट्स का कॉम्बिनेशन दिया गया, जो सॉफ्टनेस दी गई है कुशंस को लेके, हेडरेस्ट को लेके, बिल्ड यहाँ पे वो काफी प्रॉमिसिंग मिलने वाली, इसको आप डेफिनेटली लॉन्ग आवर्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, कानों को पूरा प्रॉपर तरीके से पैक करते हैं। बाकी आउटपुट यहाँ पे आपको सूदिंग मिलने वाला है, आपको यहाँ पे सूदिंग इफेक्ट्स चाहिए म्यूजिक और बेस को लेके, अच्छी आपको कॉलिंग चाहिए, परफेक्ट आपको गेमिंग चाहिए, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए इसके बारे में, बाकी आपके डिसीजन मैटर करता है, मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको एक ओवर द ईयर वाइड गेमिंग हेडसेट चाहिए ऐसे लुक एंड फील के साथ, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, बाकी पॉसिबल लिंक्स भी है डिस्क्रिप्शन में, आपको प्रोडक्ट पसंद आए तो चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। So this was all about the unboxing, reviews, complete testing and my personal experience with the recently launched Creo Beluga 3.5 over the ear wired gaming headset. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.